चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं बता दूं आप लोग को, हमने पिछले क्लास में 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 6 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और लास्ट पॉइंट जो हम पढ़ा रहे थे वो था बिहार में बेसिकल के प्रभाव। और मैंने बताया था कि बिहार में बेसिकल का जो प्रभाव पड़ा है उसको दो वर्ग में हम बांट सकते हैं, पहला का नाम सकारात्मक प्रभाव और दूसरा का नकारात्मक प्रभाव। हमने सकारात्मक प्रभाव कल लिखा रहे थे लेकिन किसी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण से बीच में डिस्टर्ब हो गए थे और इसको लगभग पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए आज इसको आप लोग एक बार ऊपर से मिला लीजिए, जो लिख लिए हैं ऊपर से मिला लीजिए। वैश्वीकरण के बाद बिहार के कृषि की स्थिति अच्छी हो रही है क्योंकि इसे क्योंकि इससे बिहार के किसानों को भी कृषि यंत्र और तकनीक प्राप्त हुआ है। दूसरा नंबर में, वैश्वीकरण के बाद यहां उत्पादन बढ़ा है जिसके कारण निर्माताओं में वृद्धि हुई है, सॉरी जिसके कारण निर्यातों में वृद्धि हुई है। तीसरा, वैश्वीकरण से बिहार के बाजारों में विश्व स्तरीय उपभोग की वस्तु उपलब्ध होने लगी है। चौथा नंबर, वैश्वीकरण के बाद बहुराष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियां बिहार काफी संख्या में आए हैं। पांचवा, इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ रहा है। छठा, इससे शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन बढ़ रहा है। तो इस तरह से हमने बिहार में वैश्वीकरण का जो प्रभाव था सकारात्मक उसको हमने लिखा दिए और समझा दिए। अगर इसमें कहीं थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जी, बहुराष्ट्रीय बैंक क्या हुआ सर? हाँ, बहुराष्ट्रीय बैंक उस बैंक को कहा जाता है जो बैंक कई देशों में रहते हैं, जैसे भारत में भी HDFC बैंक है, देखेंगे HDFC बैंक, ICICI बैंक है, तो ये सब बहुराष्ट्रीय बैंक है, इसकी शाखाएं कई देशों में है इसलिए इसको बहुराष्ट्रीय बैंक कहा जाता है। चलिए तो अब लगते हैं कि आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बिहार में वैश्वीकरण का जो प्रभाव था उसका नकारात्मक प्रभाव हम बताने जा रहे हैं। अब लिख लीजिए आप लोग नकारात्मक प्रभाव। मैं बता दूं, इसके अंतर्गत तो उस प्रभाव को रखा गया है जिससे बिहार पर बुरा प्रभाव पड़ा है। तो मैं बता दूं आप लोग को, वैश्वीकरण से बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ा है। जैसे एक प्रभाव मैं आपके सामने रख रहा हूं, जब वैश्वीकरण आया तो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई और बड़ी बड़ी मशीनें जब आ गई तो बड़े बड़े फैक्ट्री स्थापित होने लगा और फिर छोटे फैक्ट्री जो था, कुटीर और लघु उद्योग जो था जहां हाथ से सामान तैयार होता था वो सब बंद होने लगा। अर्थात इससे पहले घर घर में कुटीर और लघु उद्योग चलता था, लोगों को घर में ही रोजगार मिल जाता था, लेकिन इसके बाद कुटीर लघु उद्योग बंद हो गया और फिर लोग को रोजगार पाने के लिए घर छोड़कर दूसरा जगह जाना पड़ा। इस तरह से कई प्रभाव है जो बिहार पर बुरा साबित हुआ है। तो अब नकारात्मक प्रभाव का एक नंबर में लिखिए, वैश्वीकरण से कुटीर एवं लघु उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण के बाद बड़े उद्योग स्थापित होने लगा जिसके कारण कुटीर एवं लघु उद्योग
बंद होने लगा। दूसरा नंबर, कम पढ़े लिखे व्यक्ति को रोजगार मिलने में दिक्कत होने लगा। तीसरा नंबर, इससे कृषि और कृषि आधारित उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से आपने बिहार में वैश्वीकरण का जो नकारात्मक प्रभाव था उसको समझ गए और लिख भी लिए। सर सर तीसरा नंबर का इतना और बोलिए जी। तीसरा नंबर का फिर से लिख लीजिए, इससे कृषि और कृषि आधारित उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा। तो अब आप लोग लिख लिए होंगे। अब अगर किसी तरह का मन में क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं जी। लघु उद्योग क्या हुआ? लघु उद्योग हुआ छोटका उद्योग, जो घर में चलाया जाता है, जहां पर छोटा मशीन होता है, 10-20 आदमी होता है और उसको जो चलाता है तो उसको कहते हैं लघु उद्योग। चलिए, तो अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 1991 का आर्थिक सुधार, लिख लीजिए। इसका दूसरा भी नाम है नई आर्थिक नीति। एक बार आप लोग पेन नीचे रखिए और 1991 का आर्थिक सुधार को जानना है या नई आर्थिक नीति को जानना है। बच्चे मैं बता दूं, 1990 के दशक में भारत की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई थी, काफी दयनीय हो गई थी और भारत का विकास लगभग रुक गई थी। तब भारत सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि लाने के लिए अस्थायी पहले समाधान किया। मैं बता दूं, उस समय भारत सरकार ने 49 क्विंटल सोना इंग्लैंड में बन्हकी रखा और उससे पैसा लेकर भारत के जो मजदूर थे, भारत के जो पदाधिकारी थे जिसको पेमेंट बहुत दिनों से नहीं मिले थे, उसको दिया, फिर से स्कूल कॉलेज फैक्ट्री इत्यादि को चालू किया। लेकिन इससे अस्थाई समाधान नहीं हुआ। तब भारत के इकोनॉमिक्स के विद्वानों ने अस्थाई समाधान के लिए खोज करने लगा और फिर 1991 ईस्वी में आके भारत सरकार ने इकोनॉमिक्स विद्वानों के सुझाव पर एक विशेष आर्थिक नीति अपनाया जिससे कि अस्थाई रूप से भारत की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती थी। उसी को 1991 का आर्थिक सुधार कहा जाता है या नई आर्थिक नीति कही जाती है। मैं बता दूं, इस नीति के बाद भारत की विकास गति जो हम कह सकते हैं NH पर दौड़ना शुरू की है, तो अभी तक उसका एक्सीलेटर कम नहीं हुआ है, बढ़ ही रहा है मेरे भाई। और मैं थोड़ा बता दूं, इस नीति के तहत भारत ने 3 चीज को प्राथमिकता दी है, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। ये 3 तरह के नीति पर भारत ने विशेष ध्यान देकर आज अपनी आर्थिक स्थिति को लगभग ठीक कर लिया है। आज भारत के विकास की गति जो है, अगर वह 1990 के दशक से तुलना करें तो बहुत का फर्क हो जाता है, आसमान धरती का फर्क हो जाता है। तो उसी के संबंध में आज जानना है 1991 का आर्थिक सुधार क्या था। शायद मैंने पिछले वाला कुछ कहानी कहकर ये आप लोग को बताने का प्रयास किया कि 1991 का आर्थिक सुधार का कितना महत्व है हमारे देश में। तो इसको शायद आप लोग समझ गए। अब हम इसको नोट कराते हैं, नोट कीजिए। 1991 ईस्वी में
भारत सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक विशेष आर्थिक नीति अपनाई थी जिसे एलपीजी नीति या 1991 का आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति के नाम से पुकारा गया। इसके अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को अपनाया गया। परिणाम स्वरूप आर्थिक क्षेत्र में सुधार तेजी से हो रही है। अब नोट में जो है ये एलपीजी नीति को लिख लीजिए नोट में। एलपीजी नीति दो लाइन पहले लिखिए। देखिए 1991 ईस्वी में भारत सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक विशेष आर्थिक नीति अपनाई थी जिसे संक्षेप में एलपीजी नीति कहा जाता है, जहां एल फोर लिबरलाइजेशन, पी फोर प्राइवेटाइजेशन और जी फोर ग्लोबलाइजेशन Yes. अब इसका देखिए होता है उदारीकरण हिंदी होता है उदारीकरण और इसका हिंदी हो गया आपको निजीकरण निजीकरण। और इसका हो गया वैश्वीकरण। ये इसका हिंदी हो गया। तो इस तरह से आपने 1991 का आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति एलपीजी नीति को आपने पढ़ लिए और लिख भी लिए। अगर इसमें किसी तरह का अभी भी डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं जी। चलिए तो अच्छी बात है कि अब किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हम अगले पॉइंट की ओर नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि समय आपका समाप्त हो रहा है। अतः आज के क्लास को यहीं पर विराम देना पड़ेगा।